आर्किटेक्चर क्या है, कौन कौन से आर्किटेक्चर को आप यूज कर सकते हैं, एंटरप्राइज आर्किटेक्चर या ईए। पहले मैं आपको इंडिविजुअली बता देती हूँ एंटरप्राइज की टर्म आप किस लिए यूज़ करते हैं। आप बिजनेस के लिए एंटरप्राइज की टर्म यूज़ करते हैं, और आर्किटेक्चर को आपको पता है स्ट्रक्चर होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का या किसी भी चीज़ का ब्लूप्रिंट या कॉन्सेप्ट जो है वो उसका एक स्ट्रक्चर होता है। एंटरप्राइज आर्किटेक्चर भी एक तरह से एक कॉन्सेप्चुअल ब्लूप्रिंट है, एक वेल डिफाइंड प्रैक्टिस है। अगर आप लोग अपने बिजनेस का एंटरप्राइज आर्किटेक्चर गिवन होता है या डिफाइन कर लेते हैं, इसमें बेसिकली तीन चीज़ें आप डिफाइन करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तीन लेयर पे आप इसे कह सकते हैं। इसमें डेटा आर्किटेक्चर होता है, एप्लीकेशन आर्किटेक्चर होता है और टेक्नोलॉजी आर्किटेक्चर होता है। बेसिकली बिजनेस के वर्ल्ड में जैसे पूरी दुनिया में आईटी की वजह से काफ़ी चेंजेस आए हैं, बिजनेस और टेक्निक्स और बिजनेस एनालिसिस डिज़ाइन और प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन में भी काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं। तो एंटरप्राइज आर्किटेक्चर का जो कॉमन गोल है वो यही गोल है कि जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के स्टैंडर्ड्स हैं और आईटी ऑर्गेनाइजेशंस के इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, आप उनको अलाइन करें, और उनको अलाइन करने के बाद आपका कॉमन गोल जो है वो बिजनेस का अचीव कर पाए। स्लाइड से देख लेते हैं। एंटरप्राइज आर्किटेक्चर इज़ अ प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्डाइज एंड ऑर्गेनाइज आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर टू अलाइन विद बिजनेस गोल्स। ठीक है, मतलब ये कैसा प्रोसेस है जिसके थ्रू आप ऑर्गेनाइजेशन के स्टैंडर्ड्स और आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को एक जगह पे अलाइन करते हैं और उनके थ्रू बिजनेस गोल्स को अचीव करते हैं। द स्कोप ऑफ एंटरप्राइज आर्किटेक्चर इंक्लूड्स द एंटरप्राइज पीपल प्रोसेस इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एंड देयर रिलेशनशिप टू ईच अदर एंड द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ये तमाम वही आर्टिफैक्ट्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होते हैं, जिसमें पीपल प्रोसेस इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी या उनके दरमियान क्या रिलेशनशिप है, उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया गया है, इन तमाम चीज़ों को एंटरप्राइज जो है वो डिस्कस करता है। जो लोग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एंटरप्राइज आर्किटेक्चर डिज़ाइन करते हैं, आप उसको एंटरप्राइज आर्किटेक्ट्स कहते हैं। इनका काम ये होता है कि जो बिजनेस के अंदर चैलेंजेस आ रहे हैं, उन चैलेंजेस का सोल्यूशन प्रपोज करना और उन सोल्यूशंस को इम्प्लीमेंट करना। तो ओवरऑल अगर आप एंटरप्राइज को डिफाइन करते हैं तो एंटरप्राइज एक बिजनेस है, आप उसको एंटरप्राइज का नाम देते हैं, और एंटरप्राइज आर्किटेक्चर एक कॉन्सेप्चुअल ब्लूप्रिंट है या प्रोसेस है जिसके थ्रू आप ऑर्गेनाइजेशन के एक ऑर्गेनाइजेशन के स्टैंडर्ड्स, बिजनेस स्टैंडर्ड्स और आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करते हुए बिजनेस गोल्स को अचीव करते हैं। और इसके अंदर तमाम वो चीज़ें आ जाती हैं जो ऑर्गेनाइजेशन का डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पार्ट होता है। जैसे आप लोगों को आइडिया होगा, हमने पहले भी डिस्कस किया था, ऑर्गेनाइजेशन को दो तरह के फैक्टर जो हैं वो इफेक्ट करते हैं, एक इंटरनल फैक्टर्स होते हैं और एक एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। तो इंटरनल फैक्टर जैसे ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ हैं, ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेसेस हैं, पॉलिसीज़ हैं, उनके इन्वायरमेंट है, और आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन कस्टमर्स हैं या कंपेटिटर्स वगैरह हैं। तो एंटरप्राइज आर्किटेक्चर में ये तमाम चीज़ें आ जाती हैं। अब उसके बाद क्वेश्चन ये है कि आप एंटरप्राइज आर्किटेक्चर को क्यों यूज़ करते हैं या इसका क्या इम्पोर्टेंस है, इसकी क्यों ज़रूरत पड़ी बिजनेस की फील्ड में। तो इसकी दो आपके पास रीजंस हैं, एक है सिस्टम कॉम्प्लेक्सिटी और दूसरी है पुअर बिजनेस अलाइनमेंट। जैसे जैसे टाइम बदल रहा है, टेक्नोलॉजी ग्रो कर रही है, बिजनेस की फील्ड भी ग्रो कर रही है, बिजनेस जो है वो ग्लोबली अब है, कस्टमर्स बहुत ज़्यादा है, उन कस्टमर्स का डेटा बहुत ज़्यादा है, उन कस्टमर के डेटा को हैंडल करना, रिक्वायरमेंट को हैंडल करना मैन्युअली पॉसिबल नहीं है। तो इस वजह से जो ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम है वो कम्प्लेक्स होता जा रहा है। तो इस कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने के लिए या इस कॉम्प्लेक्सिटी को मैनेज करने के लिए आप एंटरप्राइज आर्किटेक्चर को यूज़ कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन सिस्टम्स एंड बिजनेस प्रोसेसेस आर कॉम्प्लेक्स एंड विल बिकम इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स इन द फ्यूचर एज सिस्टम कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीजेज द कॉस्ट टू बिल्ड एंड मेनटेन दो सिस्टम्स इंक्रीज एंड टेक मोर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज इन टाइम मनी एंड पर्सन। एक चीज़ मैं पहले क्लियर कर देती हूँ
जो एंटरप्राइज आर्किटेक्चर है उसमें उसको 3 लेयर पे भी डिवाइड कर दिया गया है। जो लेयर्स मैंने आप लोगों से इसकी डेफिनेशन में डिस्कस की हैं कि आप इसमें जो चीज़ क्लियरली मेंशन करते हैं दैट इज एप्लीकेशन आर्किटेक्चर, डेटा आर्किटेक्चर एंड टेक्नोलॉजी आर्किटेक्चर। बेसिकली इसमें हमारा जो पर्पस है वो यही है कि आप जो कस्टमर हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस के स्टैंडर्ड्स हैं, उसमें टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व करें और उसको हैंडल करें, उसके डाटा को मैनेज करें, कस्टमर और ऑर्गेनाइजेशन की जो रिलेशनशिप है उसको स्ट्रॉन्ग करें, कस्टमर के डाटा को यूज़ करते हुए ऑर्गेनाइजेशन के लिए न्यू डिसीजंस मेकिंग करें, एक तरह से डिसीजन सपोर्ट सिस्टम का जो काम है। आप उसी तरह से सिस्टम कम्प्लेक्सिटी को हैंडल करें। जब सिस्टम की कम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो रही है तो ऑर्गेनाइजेशंस के डेटा को हैंडल करना मुश्किल है, रिसोर्सेज को इन टाइम हैंडल करना मुश्किल है। आपके पास हर ऑर्गेनाइजेशन की ये कोशिश होती है कि वो मिनिमम रिसोर्सेज उसके हों और उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो, मिनिमम उनकी मनी लगे और मैक्सिमम उनको प्रॉफिट हो, उनके पास मिनिमम लेबर्स हो और काम उनका ज़्यादा हो। तो इसलिए सिस्टम मोस्टली कम्प्लेक्स होते जा रहे हैं। तो इस कम्प्लेक्सिटी को हैंडल करने के लिए ज़रूरी है कि किस लेवल पे हमें टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, हमें ये पता हो और ये हमें एंटरप्राइज आर्किटेक्चर के थ्रू ये पता चल सकता है। उसके बाद है जी पुअर बिजनेस अलाइनमेंट। वाइल कॉस्ट आर इंक्रीजिंग इट इज़ बिकमिंग हार्डर फॉर ऑर्गेनाइजेशन टू मेक श्योर दैट IT सिस्टम्स एंड स्पेंडिंग आर अलाइंड विद बिजनेस नीड्स। IT कॉस्ट आर इंक्रीजिंग वेल द वैल्यू दे ब्रिंग टू एन ऑर्गेनाइजेशन इज डिक्रीजिंग इफ द IT एंड बिजनेस गोल्स आर नॉट अलाइंड। अब अक्सर ये प्रॉब्लम आती है, हम टेक्नोलॉजी को तो अडॉप्ट कर लेते हैं बिजनेस में लेकिन हमें उस टेक्नोलॉजी का प्रॉपरली यूजेज नहीं आता। उस वजह से हमें जो टेक्नोलॉजी है वो फ़ायदा देने के बजाय नुकसान देना शुरू हो जाती है। हमें आइडिया नहीं होता कि आप टेक्नोलॉजी को कहाँ पे अलाइंट करें। जैसे आपकी कोई इंडस्ट्री है या आप कोई फॉर एग्जांपल आपने एक लेदर किप का प्लांट लगा लिया, लेदर प्रोडक्शन आप करते हैं, तो अगर आपको ये नहीं पता कि आप किस लेवल पे टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व कर सकते हैं या क्या आप कहाँ पे आप लेबर को कम करके टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व करके अपना प्रोडक्शन जो है इसको इंक्रीज कर सकते हैं और टेक्नोलॉजी आप ले आते हैं, या एक ये भी केस हो सकता है कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टेक्नोलॉजी ले आते हैं लेकिन जो वहाँ पे काम करने वाले हैं उनको यूज़ करना नहीं आता टेक्नोलॉजी को। तो इस चीज़ को आप कहते हैं पुअर बिजनेस अलाइनमेंट। आपके पास चीज़ें मौजूद हैं, आपको इस्तेमाल नहीं करना आता, या आपके पास चीज़ें मौजूद नहीं है, आपको ज़रूरत है और आप उन चीज़ों को अपने ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नहीं बना रहे। तो इस पॉइंट में यही चीज़ डिस्कस की गई है कि IT की कॉस्ट इंक्रीज होती जा रही है और इसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी बेनिफिट्स नहीं उसको बेनिफिट नहीं इंक्रीज हो रहा। इसकी रीज़न यही है कि जो IT इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ अलाइंड नहीं है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें एंटरप्राइज आर्किटेक्चर की ज़रूरत पड़ती है जिसमें आप ऑर्गेनाइजेशन का डाटा आर्किटेक्चर, एप्लीकेशन आर्किटेक्चर एंड टेक्नोलॉजी आर्किटेक्चर डिफाइंड हो, पता हो किस लेवल पे आपने मशीन्स को इन्वॉल्व करना है, किस लेवल पे आपने सॉफ्टवेयर को इन्वॉल्व करना है, कहाँ आपने डेटा को स्टोर करना है, एम्प्लॉय की प्रॉपर ट्रेनिंग हो, वो IT से उनके पास IT नॉलेज हो, वो उनको यूज़ करना आता हो, और ये तमाम चीज़ें एंटरप्राइज आर्किटेक्चर के थ्रू ही डिफाइन हो सकती है। बैकग्राउंड देख लेते हैं कि एंटरप्राइज आर्किटेक्चर में कब काम शुरू हुआ था। आज से 20 साल पहले सॉरी थोड़ा इश्यू आ गया था। अगर आप इसका बैकग्राउंड देखते हैं 23 years अगो एंटरप्राइज आर्किटेक्चर के बारे में एक आर्टिकल इंट्रोड्यूस किया गया था। उसका नाम था फ्रेमवर्क फॉर इंफॉर्मेशन सिस्टम आर्किटेक्चर। IBM के सिस्टम जर्नल में उसको पब्लिश किया गया और इसका जो ऑथर है दैट इज J.A. जैकमैन आर्किटेक्चर। जैकमैन ओरिजिनली डिस्क्राइब्स एज इंफॉर्मेशन सिस्टम आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क बट इट वॉज सून रीनेम एंटरप्राइज आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क। जब ये इंट्रोड्यूस करवाया गया था तो इसका नाम था जैकमैन फ्रेमवर्क लेकिन बाद में इसको रीनेम कर दिया गया एंटरप्राइज आर्किटेक्चर के नाम से।
बहुत पॉपुलर ये फ्रेमवर्क है एंटरप्राइज आर्किटेक्चर का, और अभी तक इसी को फॉलो किया जाता है ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अपने जो आर्किटेक्चर्स हैं उनको इस गिवन फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग डिफाइन करते हैं। ये फ्रेमवर्क है, इस फ्रेमवर्क को हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। इस फ्रेमवर्क का बेसिकली पर्पस क्या था कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या किसी भी काम के लिए आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं, मतलब कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करना होता है, उनका सोल्यूशन लेना होता है। अब वो क्वेश्चंस क्या होते हैं, व्हाट, हाउ, वेयर, हु, व्हेन एंड व्हाई। आप इन क्वेश्चंस को जहाँ पे ये मैप करते हैं वहाँ पे आप इन क्वेश्चंस को पुट करें और फिर उसका फिजिबल सोल्यूशन जो है वो फाइंड करें। अगर आप इसकी डेफिनेशन देखते हैं तो इट्स सिंपली अ लॉजिकल स्ट्रक्चर फॉर क्लासिफाइंग एंड ऑर्गेनाइजिंग द डिस्क्रिप्टिव रिप्रेजेंटेशंस ऑफ एन एंटरप्राइज दैट आर सिग्निफिकेंट टू मैनेजमेंट ऑफ द एंटरप्राइज एज वेल एज डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्राइज सिस्टम। ये एक आम सा एक लॉजिकल स्ट्रक्चर है। आपने इंफॉर्मेशन को इस टेबल के फॉर्म में पुट करना होता है। इन ये जो आपके सामने फ्रेमवर्क है इसके अकॉर्डिंग, जहाँ आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग जो जो चीज़ें आती हैं आप उसको इस इंफॉर्मेशन में पुट कर देते हैं, इस गिवन क्वेश्चंस के आंसर में पुट कर देते हैं। तो आपको आइडिया हो जाता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का स्कोप क्या है, उसका बिजनेस मॉडल क्या है, उसका सिस्टम मॉडल क्या है, टेक्नोलॉजी कहाँ पे आ रही है, उसकी फिर डिटेल रिप्रेजेंटेशन। अब इस फ्रेमवर्क को समझ लेते हैं पहले कि आपने इसको ये काम कैसे करता है। इसमें दो चीज़ें आपके पास गिवन है, एक टेबल है दैट इज रोज एंड कॉलम्स। तो जो इसमें रोज है ये बताती हैं जी, एलिस्ट्रेट डिफरेंट डिस्क्रिप्शंस ऑफ एन एंटरप्राइज फ्रॉम अ सर्टेन पर्सपेक्टिव। डिफरेंट डिस्क्रिप्शंस आप लोगों के सामने गिवन है, इसके अकॉर्डिंग जो जो आपकी इदारे में चीज़ें मौजूद हैं आपने वो इन्फॉर्मेशन देनी है। वो रोज़ की फॉर्म में है, जैसे आप देखें ये स्कोप है तो स्कोप में आपने बताना है इसके स्कोप, कॉन्टेक्चुअल प्लानिंग के अकॉर्डिंग डेटा क्या है, फंक्शन कैसा कैसे करेगा ये, लोकेशन इसकी क्या है, कौन से लोग ये काम करेंगे, कब करेंगे और क्या इसके पीछे गोल क्या है। कॉलम जो है वो बताते हैं कोई एक एस्पेक्ट फ्रॉम टॉप टू बॉटम फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव। एक कॉलम में आपके पास एक पर्सपेक्टिव है और हर कॉलम की रो में उसकी डिफरेंट वैल्यूज आ जाती हैं। तो एक जो कम्प्लेक्स सिस्टम होता है इसके कुछ की प्रिंसिपल्स हैं, उसके अकॉर्डिंग कुछ कम्प्लेक्स सिस्टम होता है, उसमें आप वाई, हु, व्हाट, हाउ, वेयर एंड व्हेन इन क्वेश्चंस के आंसर देते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग इसके सिक्स पर्सपेक्टिव्स हैं दैट दीज आर द रोज, और कंस्ट्रेंट्स फॉर रोज आर एडिटिव फ्रॉम बॉटम टू टॉप। सिक्स एब्स्ट्रैक्शंस हैं दैट आर कॉलम्स, एंड कॉलम्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी इन एनी ऑर्डर, मतलब आप कॉलम की अरेंजमेंट को चेंज कर सकते हैं। द ऑर्डर ऑफ रो इज इम्पोर्टेंट एंड कैन नॉट चेंज। रोज के परस्पेक्टिव को आप चेंज नहीं कर सकते, वो आपने वही रखना है। द आर्टिफेक्ट इन ईच कॉलम मस्ट बी यूनिक। हाँ ये है कि आपने हर कॉलम का जो आर्टिफेक्ट है वो हमेशा यूनिक रहेगी, वो सेम नहीं आएगी, कॉलम रिपीट नहीं होंगे। ईच ऑफ द 36 सेल्स आर यूनिक, इसके अंदर जितने भी सेल्स आ रहे हैं उनकी वैल्यूज है वो यूनिक होगी। एवरी सेल रिक्वायर्स अ सेट ऑफ आर्टिफेक्ट्स, और हर जो सेल है उसके उसमें डिफरेंट आर्टिफैक्ट्स की वैल्यूज आएंगी। अब इसको डिटेल में देख लेते हैं। अगर आपके पास ये आपके पास रोज हैं, रोज में ये आपके पास रोज हैं, रोज में जो कॉन्टेक्स्ट आ रहे हैं दैट इज स्कोप, कॉन्टेक्स्चुअल प्लानर। इसमें आप जो पहला आपने चीज लिस्ट डाउन करनी होती है दैट इज वर्ड डाटा, लिस्ट ऑफ द थिंग्स इंपॉर्टेंट टू द बिजनेस। यहाँ आपने बताना है कि आपके बिजनेस के लिए कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद हाउ, और ये जो आपके पास डेटा मौजूद है ये बिजनेस प्रोसेसेस में कैसे परफॉर्म करेगा, इस डेटा की कहाँ कहाँ पे ज़रूरत है, जैसे सप्लाई चेन मैनेजमेंट में होता है जो आपके पास डेटा है वो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कैसे होगा, कहाँ पहुँचाना है, वेयर में आप ये चीज़ें डिस्कस करते हैं, हु लोग कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम जो डेटा है वो किन लोगों के लिए हम है ये डिस्कस करते हैं इस पॉइंट में। व्हेन, जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक सिग्निफिकेंट प्रोसेस है या कोई इवेंट है वो कब होगा, या डेडलाइंस कब मीट होगी। उसके बाद है
इसके बाद जो आपको अचीव होगा, मतलब क्या कॉमन गोल है ऑर्गेनाइजेशन का, वो आपकी मोटिवेशन में आ जाएगा। सेकंड, आप बिजनेस मॉडल प्रपोज करते हो। कॉन्सेप्चुअल ऑनर का काम ये बेसिकली एक तरह से होता है आप, कि मेरा बिजनेस ये होगा, उसके अंदर ये तमाम चीज़ें होंगी, उसके लिए आप डेटा का सिमेंटिक मॉडल देते हो, उस सिमेंटिक मॉडल का को कन्वर्ट करते हैं बिजनेस प्रोसेस मॉडल में। फिर उसके बाद आप बिजनेस लॉजिस्टिक सिस्टम डिज़ाइन करते हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन के उस प्रोसेस को रन करने के लिए। वर्क फ्लो मॉडल के किस लेवल पे किस पर्सन ने इन्वॉल्व होना है, कौन सा पर्सन जो है वो क्या काम करेगा, ठीक है। उसके बाद मास्टर स्केड्यूल के ये जब कंप्लीट होगा, इसके अंदर कौन कौन से माइलस्टोन्स होंगे, क्या 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 टाइम होगा, डेडलाइंस क्या होगी, और एट द एंड आपके पास जो रिजल्ट आता है वो बिजनेस प्लान के फॉर्म में आता है। थर्ड है जी सिस्टम मॉडल, लॉजिकल डेटा मॉडल होता है। लॉजिकल डेटा मॉडल के को आप कन्वर्ट करते हैं एप्लीकेशन आर्किटेक्चर पे। उसके बाद उसकी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आर्किटेक्चर के, जैसे आपको पता है जब आप कोई भी डेटाबेस डिफाइन करते हैं तो सबसे पहले आप उसका लॉजिकल मॉडल बनाते हैं, फिर आप उसका एप्लीकेशन डिज़ाइन करते हैं, फिर आप उसको डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं कि डेटा एक्सचेंज कैसे होगा। फिर ह्यूमन इंटरफेस आर्किटेक्चर, जो लोग इनको यूज़ करेंगे वो कैसे यूज़ करेंगे, उसके लिए आप उसका जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है वो डिजाइन डिफाइन कर सकते हैं, या ह्यूमन इंटरफेस आर्किटेक्चर कि वो प्रोडक्ट है, वो कोई सॉफ्टवेयर है, वो क्या है, लोग उसको यूज़ कैसे करेंगे, इंटरेक्ट उसके साथ कैसे करेंगे। फिर उसका प्रोसेसिंग स्ट्रक्चर कि उस पर काम किस तरह से होगा, किस लेवल पे होगा, और उसके बाद जो आपके पास आउटपुट आता है दैट इज़ बिजनेस रूल मॉडल, के जो बिजनेस के रूल्स हैं वो क्या क्या होंगे। देन आता है टेक्नोलॉजी मॉडल, ये फिजिकल बिल्डर एक तरह से होता है कि आप लॉजिकल मॉडल को इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। इसमें आप लॉजिकल मॉडल जो है वो डेटा मॉडल में कन्वर्ट हो जाता है, और एप्लीकेशन आर्किटेक्चर सिस्टम डिज़ाइन में कन्वर्ट हो जाता है। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम जो है वो मैप हो जाता है टेक्नोलॉजी आर्किटेक्चर में। ह्यूमन इंटरफेस आर्किटेक्चर वो कन्वर्ट हो जाता है प्रेजेंटेशन आर्किटेक्चर में, ऑब्वियसली वो इस फॉर्म में आ जाता है कि लोग उसको यूज़ कर लें। और कंट्रोल स्ट्रक्चर, कहीं पे कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको कैसे हैंडल करना है, और जो रिजल्ट आपके पास आता है एक रूल डिज़ाइन के फॉर्म में आ जाता है। डिटेल रिप्रेजेंटेशन में फिर इसमें आप जो डेटा इनपुट करना शुरू कर देते हैं, उसमें फिर आप डेटा डेफिनेशन बनाते हैं, फिर उसको प्रोग्राम करते हैं, उसका नेटवर्क आर्किटेक्चर डिफाइन करते हैं, सिक्योरिटी आर्किटेक्चर देते हैं, टाइम स्लॉट मेंशन करते हैं, और स्पेसिफाई करते हैं कि कौन सा रूल अप्लाई होगा। ये ज़ैकमैन फ्रेमवर्क है। अगर आप इसको प्रिसाइसली देखते हैं तो आप देखें, आप इसमें ऑर्गेनाइजेशन का स्कोप डिफाइन करते हैं, उसका बिजनेस मॉडल जनरेट करते हैं, उसका सिस्टम मॉडल जनरेट करते हैं, टेक्नोलॉजी मॉडल कन्वर्ट करते हैं, और फाइनली उसको वो रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म में आ जाता है। तो इसमें जो चीज़ आप मैटर करती है वो ऑर्गेनाइजेशन का डाटा, ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शनिंग, ऑर्गेनाइजेशन का इंफॉर्मेशन एक्सचेंज जिसे आप नेटवर्क करते कहते हैं, पीपल जो एम्प्लॉय है, टाइम, ऑर्गेनाइजेशन का टाइम फ्रेम, किसी टास्क को कंप्लीट कितने टाइम में करना है, और उस तमाम कामों के पीछे मोटिवेशन क्या है, ये चीज़ें ज़ैकमैन फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग डिस्कस करते हैं। इसके अकॉर्डिंग जब आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन का आर्किटेक्चर बनाते हैं तो वो आर्किटेक्चर इसी टेबल के फॉर्म में आ जाता है, और इन तमाम सेल्स में वो तमाम वैल्यूज आ जाती हैं जो ऑर्गेनाइजेशन की होती हैं। ये आप लोग को होपफुली क्लियर होगा। इसकी कुछ स्ट्रेंथ और वीकनेस देख लेते हैं। एंड रिजल्ट जो आपके पास आता है, जो मैंने पहले बता दिया, वो ऑर्गेनाइजेशन का एक टेबल के फॉर्म में आ जाता है। वो टेबल के अंदर तमाम वैल्यूज मौजूद होती हैं, और आप उन वैल्यूज से ऑर्गेनाइजेशन के आर्किटेक्चर का अंदाज़ा लगा सकते हैं। वीकनेस इसकी यही है कि इसमें कोई प्रॉपरली डिफाइंड प्रोसेसेस नहीं होते। आपने जस्ट डेटा कलेक्ट करना है, उसको कन्वर्जन करनी है, उसको इम्प्लीमेंटेशन करनी है, मतलब कोई हार्ड फास्ट रूल नहीं है कि आपने इम्प्लीमेंट कैसे करना है। ये इसकी एक वीकनेस है, ये कन्फ्यूजन जनरेट करती है। उसके बाद जो सेकंड एंटरप्राइज आर्किटेक्चर है, दैट इज द ओपन ग्रुप आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क। ये क्या है, अब इसको देख लेते हैं। डिवाइड एंटरप्राइज आर्किटेक्चर इनटू फोर कैटेगरीज। इसके अकॉर्डिंग आप बिजनेस के आर्किटेक्चर को चार कैटेगरीज में डिवाइड कर दें, बिजनेस आर्किटेक्चर, एप्लीकेशन आर्किटेक्चर, डेटा आर्किटेक्चर एंड टेक्निकल आर्किटेक्चर। बिजनेस आर्किटेक्चर के अंदर आप बताते हैं, डिस्क्राइब द प्रोसेस एंड द बिजनेसेस यूजेस टू मीट इट्स गोल्स। इसमें हम बिजनेस आर्किटेक्चर में ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो बिजनेस प्रोसेसेस हैं, जैसे
सप्लाई चेन मैनेजमेंट का है, सीआरएम का है, क्वालिटी कंट्रोल का है, आप उन तमाम प्रोसेसेस को लिस्ट डाउन कर देते हैं और उनके गोल्स क्या हैं वो बता देते हैं। एप्लीकेशन आर्किटेक्चर डिस्क्राइब्स हाउ स्पेसिफिक एप्लीकेशंस आर डिजाइंड एंड हाउ दे इंटरेक्ट विद ईच अदर, के जो भी आर्किटेक्चर है उसकी एप्लीकेशन क्या है, उसको यूज़ कैसे करना है और उसका इंटरेक्शन क्या होगा, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कैसे होगी। डेटा आर्किटेक्चर डिस्क्राइब्स हाउ द एंटरप्राइज डेटा स्टोर्स आर ऑर्गेनाइज्ड एंड एक्सेस्ड, कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन का डेटा है उसकी इसकी स्टोरेज को कैसे मैनेज करना है, उसको कैसे ऑर्गेनाइज करना है और उसको कैसे एक्सेस करना है। एंड फाइनली टेक्निकल आर्किटेक्चर, टेक्निकल आर्किटेक्चर में आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हार्डवेयर जो यूज़ हो रहा है, सॉफ्टवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर है, एप्लीकेशन सपोर्ट है, उनका इंट्रैक्शन आप बताते हैं। स्ट्रेंथ इसकी क्या है जी, ये प्रोवाइड्स प्रोसेस फॉर डेवलपिंग एन आर्किटेक्चर फ्लेक्सिबल सो कैन बी टेलर टू कंपनीज ऑर्गेनाइजेशन। ये बहुत सिंपल है, आपके सामने ही जाती है, आपने मैं तमाम चीज़ों के अकॉर्डिंग इसको स्पेसिफाई कर देना है। लेकिन इसका नुकसान ये है, वीकनेस जो है इसकी, ये बहुत जेनेरिक है, इसका कोई स्पेसिफिक रिजल्ट नहीं आपके पास आएगा, एक प्रॉपरली फ्रेमवर्क नहीं है ये जिसमें आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के आर्किटेक्चर को डिफाइन कर दें। इसके अकॉर्डिंग जब आपने इसको अगर फॉलो किया है तो उस आर्किटेक्चर को देख के आपकी ऑर्गेनाइजेशन की जो स्ट्रेंथ है उसको नहीं पता, उसका नहीं पता चल सकता, या उसमें में जो हायरार्की है उसका पता नहीं चलेगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। उसके बाद है फेडरल एंटरप्राइज आर्किटेक्चर, ये थर्ड एंटरप्राइज आर्किटेक्चर है। टेक्निकल आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क फॉर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट वॉज वन ऑफ द फर्स्ट अटेम्प्ट एट एंटरप्राइज आर्किटेक्चर बाय द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस इन द मिड 90s, इन्फ्लुएंस द क्लिंगर कोहेन एक्ट विच स्टेटेड दैट फेडरल एजेंसी शुड इम्प्रूव देयर IT इन्वेस्टमेंट्स। ये बेसिकली 90s में यूज़ किया गया था इसको, और इसको सिर्फ जो डिफेंस डिपार्टमेंट्स हैं उन्होंने यूज़ किया था, और इसका पर्पस यही था कि IT इन्वेस्टमेंट को कैसे इम्प्रूव किया जाए। आज से कुछ अर्सा पहले यही एक प्रॉब्लम थी कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट होती थी, हम उस इन्वेस्टमेंट से IT इंफ्रास्ट्रक्चर तो ले लेते थे लेकिन उसकी प्रॉपरली ट्रेनिंग नहीं होती थी, सिखाया नहीं जाता था लोगों को, तो वो एक तरह से फेलियर की तरफ जाना शुरू हो गई थी, इसलिए लोग टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना छोड़ गए थे। फिर टाइम टू टाइम उसमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स आई, गवर्नमेंट ने उसके लिए डिफरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स रखे, लोगों को ट्रेन किया, उसको इंफॉर्मेशन उसकी डिसेमिनेशन अच्छी तरह से हुई, लोगों ने अडॉप्ट कर लिया। ओवर टाइम गवर्नमेंट एफर्ट्स इन एंटरप्राइज आर्किटेक्चर लीड टू क्रिएशन ऑफ EFA। ये एक तरह से गवर्नमेंट की ज़रूरत के लिए किया गया था, लोकल पब्लिक ने इसे बहुत कम यूज़ किया था। ये काम कैसे करता है, इसमें दो सेगमेंट्स होते हैं, एक को आप कहते हैं कोर मिशन एरिया सेगमेंट और दूसरे को आप कहते हैं बिजनेस सर्विस सेगमेंट, और इनका जो स्पैन था वो पॉलिटिकल बाउंड्रीज के लिए था, मतलब मैं जैसे पहले बताया ये गवर्नमेंट के लिए यूज किया गया था, गवर्नमेंट की जो एजेंसीज है उनके लिए यूज किया गया था। ये चार स्टेप्स हैं इसके, एक है जी आर्किटेक्चर एनालिसिस, आर्किटेक्चर डेफिनेशन, इन्वेस्टमेंट एंड फंडिंग स्ट्रेटजी एंड प्रोग्राम मैनेजमेंट प्लान एंड एग्जीक्यूट प्रोजेक्ट्स। यही इन तमाम स्टेप्स पे ही दोनों सेगमेंट को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। आर्किटेक्चर एनालिसिस में क्या होता है जी, डिफाइन अ सिंपल एंड कंसाइज विजन ऑफ द सेगमेंट एंड रिलेट इट बैक टू द ऑर्गेनाइजेशनल प्लान। आप एक स्टेटमेंट दे दें जो भी सेगमेंट की विजन स्टेटमेंट है और उसको लिंक कर दें अपने ऑर्गेनाइजेशन के प्लान के साथ। सेकेंड फेज में आर्किटेक्चर डेफिनेशन, डिफाइन द डिजायर्ड आर्किटेक्चर स्टेट ऑफ द सेगमेंट। आपने आर्किटेक्चर एक डायग्राम बनानी है, डॉक्यूमेंट द परफॉर्मेंस गोल्स उस आर्किटेक्चर की, ने जो काम करना है उसके गोल्स क्या होंगे वो डिफाइन करेंगे। कंसीडर डिजाइन अल्टरनेटिव्स, अगर वो नहीं चल पाते उसके अल्टरनेट आप क्या यूज़ कर सकते हैं वो डिफाइन करेंगे, एंड डेवलप एंड एंटरप्राइज आर्किटेक्चर फॉर द सेगमेंट, और उसको फिर आप इम्प्लीमेंट कर लेंगे, इंक्लूडिंग बिजनेस डेटा सर्विसेज एंड टेक्नोलॉजी आर्किटेक्चर। मतलब सेकंड स्टेप में आपने डेटा सर्विसेज टेक्नोलॉजी आर्किटेक्चर को डिफाइन करना है, और डिफाइन करते वक्त आपने साथ उसके अल्टरनेटिव भी बताने हैं, और हर स्टेप में जो गोल्स अचीव होंगी वो आपने लिस्ट डाउन कर देनी है।
थर्ड में इन्वेस्टमेंट एंड फंडिंग स्ट्रेटजी कैसे, अब गवर्नमेंट की है ये आर्किटेक्चर, तो गवर्नमेंट ऑब्वियसली फंड जनरेट करती है, तो फंडिंग की जो स्ट्रेटजीज हैं उसको कंसीडर किया जाएगा कि कौन से प्रोजेक्ट शुरू किए जाएं और गवर्नमेंट कौन से प्रोजेक्ट शुरू करे जिससे फंड जनरेट हो। प्रोग्राम मैनेजमेंट प्लान एंड एग्जीक्यूट प्रोजेक्ट्स, क्रिएट अ प्लान फॉर मैनेजिंग एंड एग्जीक्यूटिंग द प्रोजेक्ट इंक्लूडिंग माइलस्टोन्स एंड परफॉर्मेंस मेजर दैट विल असेस प्रोजेक्ट सक्सेस। फिर उसके बाद ये क्वालिटी कंट्रोल की तरह का टास्क है, प्रोग्राम मैनेजर हायर किए जाते हैं जो उन प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट करवाते हैं और उनकी सक्सेस रेशियो जो है वो मेजर करते हैं, माइलस्टोन जो परफॉर्मेंस माइलस्टोन्स हैं उसको अचीव करते हैं। ये एक अच्छा, अगर इसे स्टैंड देखें तो ये एक अच्छा फ्रेमवर्क है, लेकिन ये आम पब्लिक यूज़ नहीं कर पाई या उनको यूज़ नहीं किया गया क्योंकि इसमें फंडिंग जनरेट करना होती थी, तो जो गवर्नमेंट है उसके लिए तो ये फिजिबल है, लेकिन जो आम गवर्नमेंट है सॉरी आम पब्लिक है उसके लिए ये फिजिबल नहीं है। तो ये इसका एक तरह से वीकनेस है कि ये बहुत ज़्यादा स्पेसिफाइड है, आम लोग इसको यूज़ नहीं कर सकते। सो होपफुली आप लोगों को क्लियर होगा कि एंटरप्राइज आर्किटेक्चर क्या है और आप एंटरप्राइज आर्किटेक्चर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन का एंटरप्राइज आर्किटेक्चर कैसे बना सकते हैं। ये कुछ कॉमन फ्रेमवर्क थे, इनमें से जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव रहा है वो जैकमैन फ्रेमवर्क रहा है, ऑर्गेनाइजेशन अभी भी इसी को फॉलो करती है। और भी इसके अलावा फ्रेमवर्क्स हैं लेकिन वो हमारे कोर्स का पार्ट नहीं था तो उनको हमने डिस्कस नहीं किया, लेकिन आप लोग अपनी स्टडी के लिए उसको भी सर्च कर सकते हैं, बेस्ट जो फ्रेमवर्क्स हैं उनको भी आप देख सकते हैं।